रोशनी और स्वीटी वालिया के पापा की विदाई का भी समय आ चुका है। दोनों माँ बेटी ने पापा के लिए डांस किया, उनकी आरती उतारी और भारी मन से उन्हें विदा किया। गणेश चतुर्थी की धूम चारों ओर है और अब हम आ गए हैं वालियास के बप्पा से मिलने, जो कि बाल स्वरूप में नजर आ रहे हैं हमें। और विदाई का दिन आ गया है, बप्पा की विदाई का दिन है, लेकिन यहाँ नाच गाकर धूम मचाकर बप्पा को विदाई दी जा रही है। तो रोशु, मैं हमारे पप्पा इतने क्यूट है ना कि उनको बाय बोलने का मन कर ही नहीं रहा। और ये देखो, एक पप्पा यहाँ है, एक पापा यहाँ है और एक पापा यहाँ पे दिल में। तो ऑफ कोर्स बहुत दुख लग रहा है कि वो आज जा रहे हैं, पर उतनी खुशी है कि वो वापस अगले साल हमारे घर आएंगे और अगले साल भी हम इतनी धूमधाम से यू नो सेलिब्रेट करेंगे। मेरा बस चले तो मैं 365 डेज हर रोज़ पापा को घर पे रख के हर रोज़ यू नो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ, बट पापा भी बिजी हैं तो उनको जाना पड़ेगा। आई होप कि वो इस साल आए हैं, और पिछले साल सभी ने प्रे किया था कि कोविड जाए और सब खुश रहें और अच्छे से सेलिब्रेट हो, तो बड़ा अच्छा लग रहा है बाहर भी इतनी धूमधाम हो रही है और कितने टाइम बाद गणेश चतुर्थी अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आई होप ऐसे ही बस हर साल बेहतर होता जाए और गणपति पापा के साथ हम और इन्जॉय करें। लुक खास पूरा एकदम रेड पूरा है, पूरा गेटअप एकदम। हाँ कि अब बस ना अभी पापा के साथ दो तीन फोटोज डालूंगी तो रिश्ते के भी थोड़े रिश्ते के भी ऑफर्स आ जाएं। मस्ती कर रही हूँ, बहुत छोटी हूँ अभी, बट हम अपने बर्थडे पे इतना तैयार होते हैं। तो कोई भी मुझे कह रहा है कि मेहंदी क्यों लगाई या यू नो यू ओवर ड्रेस, तो मैं बोलती हूँ हम अपने बर्थडे पे इतना तैयार होते हैं तो अभी तो पापा के साथ भी तो हम पार्टी कर रहे हैं ना, तो हमें उनको भी दिखाना पड़ेगा कि हम एफर्ट्स बना रहे हैं तैयार होने के लिए। खुश है, कितने खुश हैं कि हम दिल से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके साथ, तो बस। और ये जो डेकोरेशन है, हमने सुना है कि सब आप लोगों ने मिलके किया है स्वीटी जी। मैं सच बोलूँ, मैंने बहुत डांट खाई है क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ पीछे से चु 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 किया है और मैंने कुछ भी नहीं किया, सब मम्मी ने मेहनत की है। सब मम्मी लोग मेहनत, कितनी मेहनत यहाँ डेकोरेशन में रोशन की, कुछ नहीं जीरो, सारी मेहनत इन्होंने किया है। एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि ये मेहनत तो चलो हम लोगों ने की है, इसने डेफिनेटली हेल्प किया है, बट गणपति बप्पा को लाने वाली, हमारा सौभाग्य जगाने वाली यही है। काश आप सुबह भी होते जब मैं डांट खा रही होती, बट ये रोशनी का इनिशिएटिव था दैट वी हैव टू गेट बप्पा, एंड आई एम सो हैप्पी कि अब बप्पा हमारे साथ है। और मैं तो आज इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज आज बप्पा जाने वाले हैं। और हाथ रोती है, उनके हाथ में जो है मतलब क्रेडिट कार्ड लिए, नीचे वॉलेट रखे हुए कार्ड और मेरा वॉलेट है वहाँ पे, ताकि पापा खूब सारे पैसे बरसाए मेरे पे ताकि तुम लोगों की मदद कर, ताकि अगले साल गणेश चतुर्थी हम और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए और मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ और खुद की हेल्प कर पाऊँ, खुद को ज़रूरत है। और बस अच्छे से और अच्छे से तैयार हूँ पापा के लिए, तो मैं और अच्छे से अगले साल तैयार हूँ, इसलिए पापा मुझे खूब सारा आशीर्वाद देने वाले हैं। और कितनी जल्दी हम अब जल्दी और कहाँ कहाँ देखने वाले हैं रोशु को और कहाँ मिलने वाले हैं जल्दी? पापा सोच रहे हैं, देखो ना अभी कार्ड भी उनके हाथ में, वो देख रहे हैं कि कौन सा हाई बजट होगा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, कौन सा मैं रोशनी को दिलाऊं, तो जब वो डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले आप ही लोगों को पता चलेगा। तो हो जाए गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लॉक करिया लॉक करिया।